फ्रेंड्स, फिर से आपका प्रांतोष टेक चैनल पे स्वागत है। तो ये बोर्ड देख के आपको पता चल गया होगा ये बोर्ड कौन सा है। ये पिछले वीडियो का बोर्ड है दोस्तों, और इसके साथ ये ट्रांसफार्मर ये भी पिछले वीडियो में शामिल था कि इस ट्रांसफार्मर से कैसे इस बोर्ड को चलाया जाए, और 0-12 0-12 ना हो, 0-12 हो तब भी इसको कैसे चलाया जाए, वो वीडियो मैंने पिछले वीडियो पे डाला था। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए मैं हूँ, ठीक है। मैं जितना जानता हूँ उतना ही आपको देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़, हमारा चैनल पे गलत कुछ नहीं आपको मिलेगा, कि उल्टा सीधा कुछ नहीं मिलेगा कि ये काम नहीं करता है फिर ये कैसे दिखा दिया, ऐसा कोई कुछ नहीं है। जो मिलेगा वो रियल मिलेगा, प्रैक्टिकल के साथ मिलेगा। आज भी प्रैक्टिकल के साथ ही दिखाऊंगा दोस्तों आपको। एक चीज, जो ये वीडियो डालने के बाद पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, पूरा वीडियो देखिए तो आपको हमारा ये चीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। पिछले वीडियो डालने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी किया है कि सर आपने ये जो दिखाया 0-12 AC से आपका ये बोर्ड ऑपरेट हो रहा है, 12 0 ± 12 वोल्ट दिख रहा है, तो मेरे को सीधा एक बैटरी से चलाना है, ये कार का बैटरी से चलाना है, तो इसको कैसे हम ऑपरेट करें और इसका आउटपुट कैसे निकाले वो हम लोगों को बताइए। तो मैंने सोचा चलो कि इसको बना दी जाए कि ये कार बैटरी से कैसे ऑपरेट हो जाएगा। दोस्तों ये कार बैटरी नहीं है, ये बाइक से निकाला हुआ बैटरी है, लेकिन ये 12 वोल्ट का बैटरी है। तो इस बैटरी से हम आपको इसको चला के दिखाएंगे कि कैसे ये ऑपरेट होता है। तो इस बैटरी से चलाने के देखिए दोस्तों, मैंने जो ट्रांसफार्मर से दिखाया था कि 12 0 12 AC है तो 12 0 12 ± 12 वोल्ट आपको मिलता है, लेकिन डायरेक्ट DC 12 वोल्ट है तो आपको ± 12 वोल्ट नहीं निकलेगा। फिर भी हम इस बोर्ड को चला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आउटपुट ले सकते हैं इस बोर्ड से। चलिए वो कैसे करना होगा मैं पहले सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जो इसके साइड में रखता है, मैं सर्किट डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा ड्रॉइंग है उसका, अच्छा उतना अच्छा ड्रॉइंग नहीं है। चलिए थोड़ा कष्ट करके देखिए, ये देखिए, ये एक 20-30 AC है, ये एक 20-30 AC है। मैं स्टेबल रखता हूँ, जिन लोगों को बनाना है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक्यूरेट डिजाइन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए सप्लाई 12 वोल्ट ढुकने के बाद एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया 4700 mA का, इस साइड में भी प्लाज्मा से ग्राउंड तक एक 4700 mA का लगाया, और एक फिल्टर जो नॉइस को काट करने के लिए जो हमारा DC फिल्टर होता है, उसके बाद एक 100N का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक 100UF का 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है जो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट के साथ सीधा लगा हुआ है। तो ये सप्लाई के बारे में हो गया। इस पॉइंट से ऑडियो देते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट से 4 नंबर पिन से हमारा आउटपुट निकलता है, ग्राउंड माइनस होता है स्पीकर का। सेम टू सेम ये जो IC है सेम डिजाइन है, ये ऑडियो इन होगा 1 नंबर पिन पे और 4 नंबर पिन से आउट होगा, ग्राउंड के स्पीकर का माइनस पॉइंट लगेगा। तो ये 2 स्पीकर होगा, स्टीरियो स्पीकर मैंने पिछले दिन चलाया के दिखाया था कि स्टीरियो बजता है ये बोर्ड। तो इस बोर्ड को हम 12 वोल्ट DC से, सिर्फ DC 12 वोल्ट से चलाए, तो DC 12 वोल्ट अगर हम सीधा इस बोर्ड में लगा दे तो एक चीज ध्यान पे रखिए, ये ±12 वोल्ट DC नहीं होगा, फिर हमारा बोर्ड कैसे चलेगा? ये तो ड्यूएल बोर्ड से ऑपरेट होने वाला है, तो वो कैसे चलेगा उसके लिए मैंने एक दूसरा डिजाइन भी करके रखा हो आप लोगों के लिए। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। ये जो डिजाइन देखिए, इसके ऊपर का डिजाइन सेम टू सेम डिजाइन है, इसमें लाइन थोड़ा घुस गया है, वो ध्यान पे मत लीजिए। देखिए ये जो पॉइंट है ये सीधा देखिए, ग्राउंड जिस तरह सा था थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए दोस्तों ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड स्टीरियो बोर्ड था, लेकिन अगर हम 0-12 अप्लाई करें तो इतना जितना स्टीरियो में आउटपुट आता है उतना आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो क्या करना होगा, इस दोनों IC को एक साथ ब्रिज करके चलाने के बाद ही हमारा उतना आउटपुट निकलेगा, ये चीज ध्यान पे रखिए। 0-12 वोल्ट जब हम DC देंगे इसको, ये 2 IC को एक साथ ब्रिज करके चलवाना होगा, तब भी हम एक IC पे जितना आउटपुट लेता था उतना आउटपुट मिलेगा। तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आप DC to DC बूस्टर मॉड्यूल नहीं लगवा रहे हो, और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका IC भी बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें आधा और इसमें आधा आउटपुट निकलेगा, और आपका एम लाइफ टाइम के लिए चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो इसलिए इसका डिजाइन थोड़ा चेंजेस होगा। देखिए ये जो डिजाइन मैंने दिखाया था, ये डिजाइन थोड़ा चेंजेस है। ब्रिज कैसे करना होता है, सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, वही सर्किट डायग्राम है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने स्टेबल करके रख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे ऑडियो देना है और दूसरे पॉइंट को जिस पॉइंट पे ऑडियो इनपुट था एक नंबर पिन पे वो सीधा ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। और क्या है, जिस पॉइंट से आपका जो चार नंबर पिन से आउटपुट होता है पॉजिटिव स्पीकर आउट हुआ है उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाइए, वही रेजिस्टेंस कितना होगा जो आपका चार और दो नंबर पिन के साथ लगा हुआ है। देखिए इसमें 15 के लगा हुआ है तो इस 15 के इस पॉइंट से लगाइए और एक 22 एमएफडी का 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले लीजिए, वो सीधा दो नंबर पिन के साथ जुड़िए, सीधा जोड़ना दो नंबर पिन के साथ। और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपका एम्पलीफायर ब्रिज हो जाएगा। इसमें चार नंबर पिन ले लीजिए, चार नंबर पिन पे नेगेटिव आउट होगा और ये चार नंबर पिन पे पॉजिटिव आउट होगा। तो इस पॉइंट पे ऑडियो इनपुट देना है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, डबल मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लस माइनस 12 वोल्ट देते हो तब आपका इसका पावर जितना था पहले उसका दो गुना हो जाएगा, लेकिन अभी दो गुना नहीं होगा क्योंकि हम 0-12 वोल्ट से ऑपरेट करने वाला हूं। तो उसके लिए कैसे कनेक्ट करना होगा, सप्लाई को देखिए, मैंने इसमें एक बैटरी भी जोड़ दिया हूं। बैटरी का जो माइनस पॉइंट है सीधा माइनस 12 वोल्ट पे चला गया और बैटरी का जो प्लस पॉइंट है सीधा प्लस 12 वोल्ट पे चला गया, मतलब कि ग्राउंड के साथ कुछ नहीं कनेक्ट होगा, कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। और एक चीज ध्यान पे रखिएगा दोस्तों, ये जो 4700 एमएफडी का है 25 वोल्ट का, ये दो लगवाना होगा इस साइड में और इस साइड में भी दो लगाना होगा, एक लगा हुआ है और एक ऐड करना होगा, इस साइड में भी एक लगा हुआ है और एक ऐड करना होगा, तब भी आपका ये प्लस 12 वोल्ट से आपका ये बोर्ड चलेगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा। इसको प्रैक्टिकल भी हम दिखाएंगे, चलिए प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। ये जो बोर्ड है इस बैटरी के साथ जुड़ेंगे और ये जो स्टीरियो बोर्ड था तो इसको हम ब्रिज कर लेंगे पीछे, इसका आगे कुछ कंपोनेंट लगाने के इतना स्पेस नहीं है, हम पीछे लगवा देंगे। पीछे लगाने के बाद आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों असेंबलिंग करने के बाद वीडियो पे आते हैं। दोस्तों ये बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप लोग देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये पीछे में से देखिए, एक किसी का चार नंबर पिन से मैंने 15 कैसे लिया और 22 एमएफडी से मैंने दो नंबर पिन के साथ जोड़ दिया सीधा सीधा, ये आप लोग देख लीजिए ऐसे जोड़ दिया। तो मैंने जैसा ड्राइंग बताया उतना ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है दोस्तों। और इसमें देखिए एक 12 वोल्ट लगाने के लिए जो ये ग्राउंड है 0-12 लगा रखा है मैंने, देखिए ये अभी मैंने लगाया नहीं है, इस बैटरी से साथ हम कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करके साथ, और आपको वोल्टेज भी मेजर करके दिखा देंगे बैटरी में कितना वोल्ट है और इसमें कितना वोल्ट आ रहा है वो भी हम दिखा देंगे। और इसमें हम एक मोबाइल लगा रखा है, पहले हम वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं बाद में इसको प्ले करते हैं, अभी हम प्ले करके रख दिए। चलिए अभी वॉल्यूम जो कंट्रोलर ओपन है और देखिए जो स्पीकर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट पे मैंने ग्राउंड को छोड़ दिया है बीच में से और दोनों पॉइंट को मैंने पीछे स्पीकर लगा रखा है, तो वो बहुत दूर है तो अभी हम कैमरा पे दिखा नहीं सकता। तो ये स्पीकर वायर मैंने कनेक्ट करके रखा है, बहुत ही बढ़िया आवाज है दोस्तों, आप लोग बनवाइए, कोई ऐसा डुप्लीसिटी नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए मैंने एक साउंड को प्ले करके रखा हूँ, फिर से प्ले, सॉरी आ गया कहाँ से, ये बहुत क्रिटिकल फोन है दोस्तों, ये बटन वाला फोन, तो मैंने इस सॉन्ग को एक बार प्ले कर लेता हूँ। चलिए शायद प्ले हो गया, हाँ प्ले हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा 12 वोल्ट है उसको डाल देंगे इसके अंदर, इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए स्पीकर में सारा एक पट करके नया जाया होगा आपको, देखिए ये दो LED लगा रखा है जो पिछले वाला वीडियो में था। चलिए दोस्तों इसका वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं, वोल्टेज कितना आया हुआ है, मीटर को मैंने साइड में रख दे रहा हूँ, शायद कैमरा पे आ गया होगा मीटर का जो रीडिंग है। तो इसमें कितना वोल्टेज है मैंने पहले एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए 12 वोल्ट दिख रहा है, सीधा सीधा मैंने दोनों पॉइंट पे लगा रखा है, 12.15 ऐसा दिख रहा है, मतलब कि सीधा सीधा ये 12 वोल्ट ही है। तो हम इसको चला के देखेंगे, इसको मैं ऑडियो पॉइंट लगा देता हूँ जो ऑडियो वॉल्यूम के साथ लगा हुआ है। एक तो ग्राउंड कर दिया मैंने, देखिए इसमें एक पॉइंट ग्राउंड कर दिया, इसमें से वायर नहीं हटाया, एक में ग्राउंड कर दिया हूँ, तो इसको लगा देता हूँ, शायद आवाज सुनाई दे रहा है आपको, वॉल्यूम देखते हैं कितना खुला हुआ है, हाँ वॉल्यूम तो सही पॉइंट पर खुला हुआ है, शायद इसमें से कमा हुआ है, चलिए इसको बढ़ा देते हैं हम। दोस्तों आपको ने सुना ही होगा इसका साउंड क्वालिटी,
बहुत ही बढ़िया साउंड है और ये 0/12 से चल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, और आउटपुट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही, वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनवाता हूँ तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर कर दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए जो हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाए। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, आज इतना ही, बाय दोस्तों।